अब जो मैंने आपको कंपोजिशन जो लिखवाई है वो कंपोजिशन हमने क्या किया था, हमने बना के उसको एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया। कोनिकल फ्लास्क को डालने के बाद हमें कोनिकल फ्लास्क को क्या करना है, कोटन प्लग इस तरीके से बनाना है और उसका जो नेक है ओपनिंग जो है उसको क्या करते हैं कवर। कोनिकल फ्लास्क को उसके बाद जो है हम एल्यूमिनियम फॉइल से करेंगे कवर करेंगे। ये किस लिए करते हैं, ताकि आपका ऑटोक्लेव जब इसको करेंगे तो मॉइस्चर इसके अंदर एंटर ना कर पाए। उसके साथ हमें एक चीज और करनी है, हमें क्या है पेट्री प्लेट से पेट्री प्लेट बनानी है, क्योंकि हम आपके पास एक भेजेंगे, आपको इनसे 5, 6, 10, 12 जो भी आपके लिए पॉसिबल इतनी पेट्री प्लेट हमें बना लेनी है। एटलीस्ट अगर 10 बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसमें से 3-4 अगर खराब भी हो जाती है तो फिर भी हमें बैकअप के अंदर टिश्यू कल्चर बचा रहे। तो हमें क्या करना है, साफ पेट्री प्लेट लेनी है। साफ पेट्री प्लेट को एक के ऊपर एक रखेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से उसका बन जाएगा बंडल। उस बंडल को हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर या फिर कोई पुराना रद्दी पेपर है उससे उसको रैप कर देंगे, ठीक है। रैप करने के बाद ये जो पैकिंग है हमारी इसको भी हमें कहाँ रखना है, ऑटोक्लेव के अंदर। एक्चुअली लेमिनार के अंदर जो भी चीजें चाहिए ना आपके अंदर जो भी चीजें करेंगे वो उससे पहले स्टरलाइज हो जानी चाहिए। लेमिनार का मेन मोटिव भी क्या है कि हम वहां पे वो प्रोसेस करने वाले हैं जिसके हमारा कंटेमिनेशन का जो परसेंटेज है हाँ वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो रहे हैं, हाँ है ना। हम कोशिश करेंगे कि कंटेमिनेशन आए ही ना पाए, है। तो उससे पहले हमें चीजों को क्या करना, स्टरलाइज, क्योंकि टैप वाटर के अंदर भी बैक्टीरिया है, एयर के अंदर भी बैक्टीरिया है, वो सब बैक्टीरिया हमारी ऑलरेडी कंपोजिशन के अंदर है, तो हमें उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, स्टरलाइज।